95 जी। तो मैंने कहा नहीं अंकल अभी तो मेरे को खेलना है। कह रहा आप खेलते रहो लेकिन आप यूरोप में हो तो यूरोपियन कोचिंग को सीखो, और जब आप हिंदुस्तान में वापस जाओगे जब यहाँ पे खेलना तो आप कोचिंग लाइन में आना जरूर। मैंने कहा जरूर अंकल। तो उन्होंने मेरे को जो यूरोपियन हॉकी सर्कट था उसमें घुमाया बहुत, और कोचिंग सिखाया जो उनकी कोचिंग थी वो सिखाया। और 98 में बाय द टाइम इंडियन एयरलाइंस की टीम अच्छा नहीं कर रही थी, तो MS बालाकृष्णन जो इंडियन हॉकी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और हमारे सेक्रेटरी भी थे और डायरेक्टर फाइनेंस भी थे, उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि आप इंडियन एयरलाइंस का कोच बन जाइए। जबकि मैं बहुत अच्छा उस साल भी खेल रहा था। तो मैंने कहा सर मैं तो अभी खेल रहा हूँ। कह रहा खेलना छोड़िए अब आप कोच बन जाइए। तो 98 में मेरे को अभी भी याद है 13 जून 1998 को उन्होंने मेरे को बुलाया ऑफिस में और सीधे लेटर दे दिया कि आप कोच हो। मैं कोच बन गया और इमिडिएटली आफ्टर एक महीने के बाद MCC चेन्नई में टूर्नामेंट था। तो MCC चेन्नई में जो MCC का टूर्नामेंट था वो टूर्नामेंट को रखा इंडियन हॉकी फेडरेशन ने सिलेक्शन ऑफ द एशियाड 98 बैंकॉक का, तो उसमें कोचेज भी बुलाए गए। मैं इंडियन लाइंस का कोच था। वहाँ पे हमने पंजाब पुलिस, पंजाब रेलवे, कर्नाटका, तमिलनाडु सबको एक तरफा हराया और फाइनल जीत गए। वहाँ पे 98 एशियन गेम की कोचिंग के लिए जो कोचेज का डायरेक्टर बनाए गए थे MP गणेश साहब जो मेरे कोच भी थे 90 में, उनको बनाया गया था। तो जब फाइनल हो रहा था तो मेरे को ऊपर उन्होंने बताया बुलाया कि तेरी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, क्या आप हिंदुस्तान के कोच बनना पसंद करेंगे? मैंने स्टेट में मना कर दिया उनको। अच्छा। मैंने कहा नहीं अभी मैं एक महीने का कोच हूँ, मैं हिंदुस्तान की कोच अभी नहीं बन सकता, लेकिन किसी रूप में अगर हेल्प चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। तो KPS गिल साहब जो प्रेसिडेंट होते थे ऊपर देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को मेरे रूम में भेजना। तो मेरे को अभी भी कल की तरह याद है, सारे कोचेज लाइन में आए थे जहाँ पे बलवीर साहब भी थे, कौशिक भा साहब को बुलाया गया था, भास्करन साहब को बुलाया गया था, जोखिम कावालों को न्योता दी गई थी, बहुत सारे कोचेज बुलाए गए थे, रेलवे के कोचेज बुलाए गए थे। तो गिल साहब ने मेरे को, उनके एक देखने का तरीका अलग होता है, वो आँखों में आँख डाल के बोले फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। तो मैंने कहा कि आई बिलोंग फ्रॉम बिहार बट आई स्टे इन दिल्ली, व्हाई यू डिक्लाइन, एक वर्ड बोले। तो मैंने कहा कि सर मैं फौजी का बेटा हूँ जो हाथ में नहीं कर सकता, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मेंटली मैं तैयार नहीं हूँ कोचिंग की बागडोर संभालने के लिए, लेकिन हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने एक वर्ड बड़े अच्छे बोला, आई लाइक द वे यू रिफ्यूज, ओके लेट्स गणेश विल डिसाइड व्हाट ही इज गोइंग टू डू। तो मैं बाहर आ गया, इनकी मीटिंग भी मेरे को नहीं पता उसके बाद क्या मीटिंग हुई। और सितंबर में मेरे को बुलावा आया कि आप जूनियर टीम के कोच बन जाओगे। तो वो एक अच्छा था सीनियर की जगह जूनियर, तो वहाँ से मैंने कोचिंग की जर्नी सितंबर, वो भी देखे किस्मत 13 सितंबर को फिर एक मैसेज आया कि आप बेंगलोर जाइए जूनियर का नेशनल चैम्पियनशिप, वहाँ पे सिलेक्शन कीजिए और कोच बनिए। तो मैं और CR कुमार वहाँ से मेरी कोचिंग की 1998 में आप नेशनल हॉकी टीम में मेल मेंस जूनियर का मैं जूनियर का कोच बना। इस इंटरेस्टिंग जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे, अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। 98 में आप इंडियन हॉकी टीम में कोच बन गए, हम लोग 18 में बैठे हैं, 20 साल बाद बात कर रहे हैं। ये सफर आपका लगभग 20 साल का हो गया एज ए गुरु, और गुरु के रूप में आपको 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। अभी आपको क्या लगता है, आप प्लेयर अच्छे थे या गुरु अच्छे हैं? नहीं, ना गुरु अच्छे हैं ना प्लेयर अच्छे हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि जो प्लेयर होता है वो सिर्फ एक उस समय खेलने की नज़र से देखता है जी, लेकिन जब आप कोचिंग में आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्लेयर के किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या मेंटेलिटी है, फेडरेशन के बारे में सोचना पड़ता है, पब्लिक के बारे में सोचना पड़ता है, प्लस स्पॉन्सरशिप जो आते हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है, रिजल्ट के बारे में सोचना पड़ता है, प्लेयर के कैसे उस
यात्रा में कैसे प्रोग्रेस हो उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसके मेंटलिटी के बारे में सोचना पड़ता है। एज ए कोच आपको उसका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मदर, फादर, जो भी रूप कहिए वो बनना पड़ता है कई बार। इसमें कैसे, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि प्लेयर में सिर्फ उसे खेलना है, जीतना है, यही एक लक्ष्य है, लेकिन यहाँ पूरी टीम को, एक एक बच्चे को, एक एक प्लेयर के माइंड सेट को समझना, उसकी मानसिकता को समझना है, और उसको, क्योंकि खेलना भले हाथ से है लेकिन खेलना तो मन से ही है, हाँ तो चलता है। सो माइंड, जी मैं वहीं पहुंच रहा हूँ कि गुरु कैसे कैसे, आप सुना है, मैंने पढ़ा भी बहुत सारा आर्टिकल आप पर, एकदम दोस्त की तरह घुल मिल जाते हैं, उसके मतलब बच्चे का पूरी जर्नी आप स्टडी करते हैं कि कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल अंदर तक आप गहरे तक उतरते हैं। देखिए, अगर किसी से निकलवाना है, जैसे खदान में अगर खुदाई होती है तो वो हीरा और जो सोना मिलेगा वो कोयले में भी मिलेगा, लेकिन कहाँ तक जाना पड़ेगा ये आपको पता नहीं। तो उसी तरह अगर आपको प्लेयर से बहुत कुछ लिखवाना है तो पहले उसके दिल में अपनी जगह बनानी पड़ती है। और सबसे आसान तरीका है इंडियंस के लिए कोचिंग करना, इंडियंस के लिए, कि जब आप उसकी सेंसिटिव चीज़ जो है, जो उसके माँ बाप है, उसके रहना है, उसकी गरीबी, कैसे वो खेलना चाहा, क्यों खेलना चाहा, उसको टच कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपसे जुड़ जाएगा। द मोमेंट वो आपसे जुड़ जाएगा तो आपसे कुछ नहीं छिपाएगा, और जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस समय उसको वो ऐसा लगता है कि वो यही मेरे माँ बाप हैं, यही पथ प्रदर्शक हैं या कुछ है, और वो 100% देना शुरू करता है। और स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्समैन 100% देगा, वो कभी ना कभी उसका फल 100% जरूर मिलता है। देर हो सकता है लेकिन कह सकते हैं कि उससे वंचित नहीं रह सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एवरी प्लेयर्स का बैकग्राउंड, किस क्षेत्र से आया है, क्या बैकग्राउंड है, उसकी सोसाइटी, इकोनॉमिकल कल्चर क्या है, क्या उसकी मानसिक है, कह सकता हूँ कि मानसिकता है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सर आप तो जो सीनियर मेल हॉकी टीम, जूनियर मेल हॉकी टीम, इवन जो फीमेल वीमेंस हॉकी टीम है, सब जगह आप कोचिंग दे दिए सबसे, तो सारी जो पूरी इंडिया की हॉकी टीम है आप सबके साथ मिले जुले हैं और सबको समझ चुके हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी किस्मत है जी, कि फेडरेशन ने मेरे को, जो हॉकी इंडिया है ने हर जगह मेरे को यूज किया, मतलब कि कोचिंग करने का मौका दिया, और वो कहीं ना कहीं मेरे कोचिंग कैरियर में हेल्प हुआ। मैं हिंदुस्तान का पहला कोच हूँ जो अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21, सीनियर टीम, वुमेंस टीम को कोच किया है। अदरवाइज एक कौशिक साहब हैं जो मैन सीनियर किए, वुमेंस सीनियर किए, नर्सरी से लेके पीएचडी तक आपने पढ़ा दिया। हाँ, नहीं पढ़ा, पीएचडी तो नहीं किया, मैं बात कर रहा हूँ हॉकी में जो भी सीनियर मोस्ट प्लेयर्स होते हैं। लेकिन लेकिन एक उससे फायदा जरूर मेरे को, जो मेरे व्यक्तित्व का फायदा ये हुआ कि कहते ना कि अपने बच्चे को अपने सामने बड़ा होते हुए और उसके बाद एक दादा बनते हुए भी आप देखे, और एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे को लगता है कि उन प्लेयरों को मानसिकता से लेके, बचपन से लेके, उसके हुड से लेके एक प्योर मैन और डिसीजन मेकिंग तक मैंने उनको देखा है, और वही लड़कियों में भी देखा, तो वो कहीं ना कहीं मेरे कोचिंग में बहुत फायदा हुआ। अगर उस चीज़ को देखें, चलिए थोड़ी जर्नी देखते हैं आपकी, 98 से लेके ये जो 20 साल की जर्नी है अब तक की, तो कैसे कैसे आगे बढ़ती है। जब मैं इस क्षेत्र में आया तो मेरे को बहुत, सबसे बड़ा जो, मैं इसलिए उनको गुरु मानता हूँ कि टोनी फर्नांडिस जो हैं, उन्होंने मेरे को हर तरह से हेल्प किया। उन्होंने सबसे मेरे को अच्छी चीज़ बताई कि आप FIH की कोचिंग कोर्स जरूर करना। तो 99 में मैं पहली बार FIH की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की कोचिंग कोर्स अपने पैसे से कुआलालंपुर करने गया। वहाँ से जब करके आया तो जूनियर टीम को जब मैं हैंडल कर रहा था तो वहीं पर हम लोग यूरोप में गए, जो चैम्पियनशिप 8 नेशन जीत गए। वहाँ के बाद मैं इजिप्ट में गया, वहाँ पर गोल्ड जीत गया, और वहाँ पे मैं पहला हिंदुस्तानी था जो अपने पैसे से कैमरा खरीद के लड़कों को इनकी फिल्म दिखाकर उसमें रेक्टिफाई करता था। ये चीज़ गिल साहब को पता चली तो सिडनी ओलंपिक के टाइम पे भास्करन साहब कोच थे, उन्होंने कहा नहीं मैं, क्योंकि तो आपने मना किया चीफ कोच लेने से, तो आप इनके साथ ओलंपिक के कोच भी, असिस्टेंट कोच जाएंगे। और मैं वहाँ पर गया, तो मैं कह सकता हूँ छोटी सी जर्नी में ओलंपिक जैसे महाकुंभ में मेरे को कोचिंग का मौका मिला, जहाँ पे रिक चार्ल्सवर्थ, टेरी वाल्स, पॉल लिटजर, पॉल लिसक, जॉरिस हॉरिस्मा, ये सभी बड़े बड़े नामी कोचेस सारे दिग्गज थे और उस
ओलंपिक के टाइम पे इनसे मैं जबरदस्ती इनके साथ बैठ के इनसे 10 क्वेश्चन करता था इनसे सीखने के लिए. जब इंडियन टीम नहीं खेलती थी मैं ग्राउंड पे जाता था, वीडियो करता था उनसे, बहुत सारी क्वेश्चन करते थे. यहाँ पे देखा कि ऑफ सीजन में आप अलग अलग कंट्री में चले जाते थे, मैचेस देखते थे अपने स्किल को कैसे कोचिंग को. तो वो नहीं, क्योंकि आप अगर बाहर है कोचिंग से तो आप फिर 2 महीने भी बाहर है तो आप 2 साल बाहर हो जाते हैं. और कोचिंग इंडियन कोचिंग नहीं, वर्ल्ड की कोचिंग जो हॉकी की है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है. हॉकी सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कोचिंग है. अगर आप एक गैजेट्स को बारे में अगर भूल जाएंगे तो आपको ये वंचित रह जाएंगे कि अपोनेंट्स क्यों यूज गैजेट कर रही है और उससे फ़ायदा क्या है. तो अपोनेंट्स के एवरी मूव को आपको पता होना चाहिए और साइंटिफिक वे से में पता होना चाहिए. तो इसीलिए आप कोचिंग के पास अगर नहीं है तो आप बिल्कुल जीरो हैं. तो इसीलिए मैं अपना ये सभी चीज़ें करता हूँ. जब मैं कोचिंग में नहीं रहता तो दुनिया में कहीं पर भी, चाहे यूरोप में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे एशिया में होता है मेजर टूर्नामेंट, मैं उसमें जाके जरूर देखता हूँ और जो जो नई नई चीज़ें होती हैं उसको लिखता हूँ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ. फिर जो ओलंपिक में हो गया, फिर उसके बाद वो पहली बार था, बहुत क्लोज थे हम लोग कि सामने. आज भी मैं मानता हूँ कि वो मेडल हमने अपने हाथ से गंवाया है, नहीं तो इंडिया का उस समय एक सिल्वर मेडल ओलंपिक में 80 के बाद जरूर मिल जाता. और वो मेरा अपना मानना है, चाहे वो भास्करन साहब का चाहे मेरा, वो हम कोचिज दोनों कोचिज की गलती थी. हमने अपना टैक्टिकल मूव नहीं चला जिसकी वजह से वो हाथ से मेडल चला गया. वो दिल में कहीं ना कहीं कचोट हमेशा रहती है. तो उसके बाद मैंने फिर 1 साल 1.5 साल मैं बाहर रहा. फिर मेरे को जूनियर टीम मिला, उसको मैंने तैयार किया. और उस जर्नी में, किस साल में जूनियर टीम मिला था? मेरे को 2002 में मिला. 2002 में जी. 2001 में बाहर रहा, 2002 में मिला. तो 2002 से 2005 तक हमने 7 टूर्नामेंट खेला और 7 के 7 हमने गोल्ड मेडल जीता. 2004 जब एशिया कप था पाकिस्तान में, जब टीम बनाई जा रही थी तो मैं अपना टीम लेके गया. गिल साहब उस समय वृंदावन में थे और 13 लोगों की मंडली बैठी थी इंडियन हॉकी फेडरेशन की. और मैं जब अपना नाम दिया तो उसमें से एक नाम देखा उन्होंने, और जो पटरा होता है उस पर था और 6-7 पेज थे उस पर. उन्होंने लेके मेरे ऊपर फेंका और उन्होंने कहा, ब्लडी हेल, एवरी टाइम यू कम विद दिस प्लेयर आई डोंट वॉन्ट टू गिव दिस प्लेयर, आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट दिस प्लेयर एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई रूम. तो मैं वो पेपर समेटा, नीचे था वो, नीचे लेके गया. मैं बाहर जाके बैठ गया तो वो लोग, आप लोग में मीटिंग कर रहे थे. राजेंद्र भाई साहब जो सीनियर के कोच थे, उनकी भी सिलेक्शन था, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे. तो उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, वो लोग बैठ गए. 15-20 मिनट के बाद राजेंद्र भाई साहब आए कि हैरी अंदर आ जाओ. अंदर आए तो उन्होंने बोला, मेरे से गिल साहब ने पूछा कि आई होप स्टिल दैट बॉय इज़ नॉट इन योर लिस्ट. मैंने कहा, यस सर, ही इज़ इन द लिस्ट एंड ही विल बी इन द लिस्ट सर. तो उन्होंने कहा, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव. तो मैंने कहा कि ओके सर, 13 लोग हैं, मैं आपका पैर छूता हूँ और इस प्लेयर को दे दीजिए, ये लास्ट टूर्नामेंट होगा, अगर ये परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो मेरा सर और आपकी गोली इंडिया गेट पे. पता नहीं उनको क्या हुआ, कर इफ़ यू आर सो एडमेंट स्टिल आई एम साइनिंग, बट आई एम नॉट साइनिंग इन माई विश, आई एम साइनिंग बिकॉज यू वॉन्ट, बट आई सिंस यू हैव इंश्योर दिस बॉय विल परफॉर्म, विल सी यू ऑन द 1st of May. क्योंकि 30th April को कराची में हमारा एशिया कप का फाइनल था. फाइनल में उस लड़के ने हैट्रिक मारा. आज गिल साहब नहीं है और उनकी भगवान उनको शांति दे. वो शख्स है, उसने मेरे को फ़ोन किया उसी दिन और उन्होंने कहा कि हरेंद्र यू आर राइट, इतने बड़े शख्स ने, दिस बॉय इज रियली गोल्डन बॉय. और वो आया, हम लोगों ने वो किया. लेकिन उससे पहले इंडिया पाकिस्तान का कारगिल वार हो चुका था, क्रिकेट टीम खेल के आ चुकी थी, मित्रता जिसको बोला गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर यात्रा कर चुके थे, तो माहौल अच्छा बन रहा था. लेकिन जब कराची में हम लोग पहुँचे, वहाँ पे पहुँचा तो पूरी मीडिया घिर गई. उससे पहले क्रिकेट टीम आई थी जहाँ पे अपने सहवाग जी ने ट्रिपल मारा था रावलपिंडी में, ये सभी. तो वही पूछने लगे कि अब तो इंडिया पाकिस्तान का बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, ये हो रहा है, आप इस टूर्नामेंट्स को कैसे देखते हैं. वहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने उन्हें दे दिया, क्योंकि फौजी का बेटा था. मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री साहब मित्रता चाहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन मैं एशिया कप जीत के इस एशिया कप को कारगिल के शहीदों को समर्पित देना चाहता हूँ. अब वो एक इशू बन गया हिंदू पाकिस्तान में कि
हम मित्रता की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का कोच आके ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो वहाँ का हेडलाइन था, तो बड़ा कंट्रोवर्सी में उस समय वहाँ पर रहा। तो वहाँ से जो भी आया, पी एम ऑफिस में आया या प्रेसिडेंट हाउस में आया, मेरे को कुछ इसके बारे में नहीं पता, मैसेज आया कि उसको ऐसे नहीं देना चाहिए स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हम लोग ये क्रिकेट वाले भी होके आए, बड़ा अच्छा माहौल था, प्राइम मिनिस्टर साहब होके आए। तो गिल साहब को आया था, मेरे को तो आया नहीं। तो जब मैं ये ट्रॉफी देने गया तो उस लड़के को भी मैं लेके गया, मैंने कहा तू ही दियो ये ट्रॉफी, क्योंकि तेरे पीछे ही ऐसा हुआ था। और उसको फाइनल में मैंने, जब फाइनल हो रहा था पाकिस्तान से, तो मैंने बुलाया और मैंने उसको कहा कि तू टीम में नहीं था लेकिन तेरे पीछे बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती किया तो आज आ पाए हो। 2003 की बात है, 2004 फोर अप्रैल 30 अप्रैल को फाइनल था जी। और मैंने कहा कि आज आपको ऐसे खेलना है कि ये सोचना है जिंदगी का लास्ट मैच है, और वो रियली ऐसे ही खेला लड़का। तो उसके बाद कराची स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसमें खचाखच एक जगह कोने में तिरंगा एक फहर रहा था, बहुत बड़ा फेंसिंग होता है, मैं कैसे कूद के वो तिरंगा लेके स्टेडियम में आया, उस लड़के को दिया, वो पूरे स्टेडियम में लेके घूमा। जब इंडिया आए तो गिल साहब ने मेरे को ये बताया कि ऐसे ऐसे एक मैसेज आया था, बट आई टोल्ड देम कि वट एवर माई कोच हैज सेड आई फुली सपोर्ट फॉर देम, वी आर नॉट हेयर टू मेक द फ्रेंडशिप, वी वॉन्ट टू विन द टूर्नामेंट्स। गुड गुड। सो उसके बाद हम लोग वर्ल्ड कप के लिए गए रोटरडम में, जो कि सेमीफाइनल खेले। वहाँ पे सेमीफाइनल में हम लोग 3-1 अप थे, 2-0 अप थे, और मेरे को लगता है कि वहाँ पे एज ए कोच, जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस कोच को भी चाहिए, अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम से हम 2-0 अप थे और इतना अच्छा खेल रहे थे कि 2-3 पोस्ट पे भी लग गए बॉल, तो मेरे को लगा कि 5-6 गोल हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करना चाहिए था, लेकिन मैं अपना कह सकते हैं ना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं किया, और वो 3-2 से हम लोग सेमीफाइनल हार गए। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि कोच को कई बार अपने जो एक ईगो सेटिस्फेक्शन है उसको पीछे रख के टीम के बारे में सोचना चाहिए। तो वो एक सबक मिला मेरे को, एक बहुत बड़ा सबक मिला, क्योंकि सिडनी ओलंपिक का मेडल ऑलरेडी मैं देख चुका था, सामने सिल्वर है मिनिमम हो गया। यहाँ पे 2001 का वर्ल्ड कप हम लोग जीत चुके थे जूनियर का, और बहुत क्लोज थे जीतने का, वन ऑफ द बेस्ट टीम मेरी वो तैयार टीम थी। जिसके सबसे बड़ी बात है हरेंद्र जी की हमारी बातचीत की, बड़ी बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी से जहाँ जहाँ आपसे चूक हुई है, लोग छुपाते अपनी गलती पर बात नहीं करते हैं। मैंने बहुत ये जर्नी ही कर रहा हूँ मैं लगातार, आप बड़ी बेबाकी से बड़ी ईमानदारी से कि ठीक है ये गलती हुई, ये हार हमारी वजह से थी या हमने हमारी स्ट्रेटजी की वजह से थी, आपने एक बार और अपने सीनियर अपना नाम लिया, और शायद सुधार का ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि ठीक है हमारे बाद भी लोग आएंगे, हमारे पहले भी लोग थे, हमारा गोल यही है कि हमारी जो टीम है वो बेहतर करे, और उसके लिए ये सब बातचीत उसी के लिए कि कहाँ कहाँ से चूक हुई। इतिहास तो इसीलिए हम पढ़ते हैं, हम इतिहास की बात कर रहे हैं जी। नहीं एक्चुअली देखिए, हमेशा कहा जाता है फ्यूचर की ज़्यादा सोचिए मत, प्रेजेंट पे काम कीजिए, लेकिन इतिहास के जो चूक है वो एक सीख जरूर देता है कि आप फ्यूचर ख़राब मत कीजिए। तो ये जो जर्नी है उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और उसमें मेरे को नहीं लगता कि बताना या अपने आप को एक एडमिट करना और या छिपाना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेरी ये गलती से जो आने वाला जनरेशन के कोचेज हैं उनको बहुत बड़ा सीखने को मिलेगा। और जब तक कि हम एक दूसरे से सीखेंगे नहीं, हम कोचेज या प्लेयर अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते। अपनी गलती अगर मैं किसी से शेयर करूँगा तो वो कोच जब भी कोई डिसीजन लेगा उसके जहन में या दिमाग में ये चीज़ तो जरूर जाएगा कि हरिंदर ने गलती करी थी, मैं नहीं करूँगा, और उससे हिंदुस्तान की हॉकी को फ़ायदा होगा, किसी इंडिविजुअल को हो या ना हो। और वही चीज़ के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। जब तक अगर हम लोग तिरंगा लहराते हुए ना देखे कोई कोच या प्लेयर, उसका कहते हैं ना दिल पे सकून नहीं मिलता, नहीं मिलती। तो उसके बाद 2004 में ये हुआ, 2005 का भी हुआ, 2006 का जो फिर मैं भास्कर साहब फिर दोबारा सीनियर टीम में मेरे को भास्कर साहब का असिस्टेंट बनाया गया, वो साल बहुत ख़राब रहा हमारा। हम लोग पहली बार एशियन गेम में सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे, पहली बार वर्ल्ड कप में 10th आए, उससे पहले 86 में 12th आ चुके थे जी। लेकिन टीम हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन टीमों में मैंने
कहीं ना कहीं टीम में एक कहते ना गुट बनते हुए देखा, क्योंकि असिस्टेंट कोच था, डायरेक्ट इंटरफेयर कर नहीं सकता था, मैं सिर्फ बता सकता था। तो मैं भास्कर साहब को बताता था, लेकिन भास्कर साहब एक बड़ा माइल्ड कोच है, बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, टाइम के साथ हील हो जाएगा, लेकिन टीम को इफेक्ट हो रहा था। तो 2006 में जब ऐसा हुआ तो बहुत मायूस हुआ मैं। फिर वो जो भी चीज़ गलतियाँ होती थी, मैं टोनी फर्नांडीज एंड धनराज पिल्ले से बहुत शेयर करता हूँ, और धनराज पिल्ले हमेशा मेरे को कहता था कि नहीं हरेंद्र, अगर इंडियन हॉकी को चेंज करेगा तो तू ही है, तू मॉडर्न हॉकी का कोच है, अब तेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत गाइड किया, क्योंकि वो एक इतना बड़ा लीजेंड्स है कि उसको खुद उस दौर से गुजरा हुआ है कि प्लेयर के जहन में क्या होता है, क्या क्या है, तो वो बहुत कुछ शेयर करता है, आज भी शेयर करते हैं हम लोग। जब भी हम दोनों ऑलमोस्ट एवरी डे या सेकेंड डे बात करते हैं तो हॉकी की ही बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे कोचिंग में उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, धनराज पिल्ले का। वही एक प्लेयर है जो बार बार, चाहे वो गिल साहब किसी को भी बोला कि नहीं हरेंद्र ही कर सकता है, हरेंद्र को लाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप कौन से ऐसे दिग्गज हस्तियां हैं जिनका इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द बायोस्कोप, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्रेस करें द बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके द बायोस्कोप की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले।